अरे क्या बात है, मेरा लुक खान जाओ इधर। नाइस लुक खान साहब। अमित सर यो, अमित सर समोर, अमित सर यहाँ पे, साहेब इकड़े माझ्या कडे। थांबा थांबा साहेब थांबा। बस मजे सेम लुक आइटम वाइज पहले फोटो लेना। हाँ आई हाँ कॉल दे। सर जब से ट्रेलर आया है और आपका जस्ट लास्ट लुक है, फैंस काफी एक्साइटेड थे कि क्या है आपके किरदार के बारे में, मेरे बारे में नहीं है ये, वेंकी के बारे में, और इसी का टाइटल इसलिए सलाम वेंकी। और बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, और ख़ास बात ये कि ये एक सच्ची कहानी है। वाकई वेंकी जो है हमारे साथ थे कुछ साल पहले, उनकी माँ सुजाता, इन दोनों की कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है और इतनी दिल को छू लेती है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि रेवती जी ने ये डिसाइड किया कि उनको ये फ़िल्म बनाना है, और दिस फिल्म इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स सो मूविंग। हर आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, काजल ने, विशाल ने, ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन सो वेल। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम ग्लैड कि रेवती जी ने मुझे एक छोटा सा मौका दिया कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकूँ। लेकिन ये फिल्म हम सबसे बहुत बड़ी है, और जो मुद्दा उठाया है और जिस तरह से सुजाता जी और वेंकी की कहानी लोगों के सामने लाई है रेवती जी ने, इट्स रियली अमेजिंग। सो कंग्रेचुलेशंस रेवती, एंड आई होप आप लोग सब देखें और आप लोगों को खूब पसंद आए। और हम वेंकी और सुजाता जी की कहानी से, हम उनकी लाइफ से, उनके स्ट्रगल से, उनकी विक्ट्री से हम कुछ सीख सकें। अभी कुछ लुक नहीं है, मैंने बस बाल वाल काले नहीं किए। किसमें? हाँ मूवी में तो रेवती जी ने जो लुक डिसाइड किया था वो मैंने फॉलो किया, और रवि जी ने उसको शूट किया है। आई थिंक द इंटायर टीम हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। जो फिल्म का लुक है, गाने जो हैं, जो अल्फाज हैं, सो एवरीथिंग, यू नो, ईच डिपार्टमेंट हैज़ डन सो वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम, एंड आई होप आप लोगों को फिल्म पसंद आए, आप लोग देखें। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा टाइम, बहुत सालों से मैंने एक साथ लगातार काम किया है, तो इस वक्त मैं थोड़ा वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाह रहा हूँ। और पानी फाउंडेशन का काम चल रहा है, और भी काम है, लेकिन एक्टिंग थोड़ा एक साल के बाद आऊँगा। ये फिल्म में देख सकते हैं मुझे, थोड़ा छोटा सा रोल है। बहुत ही कमाल की का रिश्ता है माँ और बेटे का इस फिल्म में, जो काजल और विशाल ने बहुत ही बखूबी निभाया है।
So it's a wonderful film and it's a gem of a film. I hope you all enjoy it. Oh, Vishal is a fantastic actor. I think I hope Vishal yahan par aaye. Actually nahi aaye to acha hai, uske samne uska tareef karunga acha nahi lagta. He's a wonderful actor. Vishal jo hai bahut hi kamal ka actor hai aur he has a great future ahead. He's got a great potential as an actor. और मुझे इतनी खुशी होती है जो यंग लड़के आजकल आ रहे हैं, ये उसकी पहली दूसरी फिल्म है, ये उसकी दूसरी फिल्म है, इतना अच्छा काम करते हैं ये लोग. जब मैं आया था तो मुझे थोड़ा 10-15 फिल्में लगी थी सीखने के लिए, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं दे आर रियली ब्राइट एंड दे आर सो गुड. इट्स सो वंडरफुल टू सी दैट, यू नो ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर. और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया था, यू नो द एक्ट्रेस इज ऑल्सो रियली रियली वंडरफुल. So all the very best and thank you so much. Thank you so much. Vishal. Come, we'll take a photo with Vishal. Let ma'am be the second. Yes. Yeah, come here. Come. Yeah, all of you. अरे वो है ना लड़का, क्या नाम है तेरा? राजल जी राजल जी सेंटर कम किया क्या मैडम? समोर मैडम, समोर मैडम, समोर बता. अरे भक्त है तामरे मैं